हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, परेशान हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपने ट्राई भी किया मूव ऑन करने का, पर आपसे हुआ नहीं है। और यहाँ पर यह है कि आपने देखिए बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, समय तो आपका बर्बाद हुआ ही है। अभी भी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है आपने पैसों वगैरह से भी उनकी मदद की है, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, और उसी की वजह से आप ऐसा है कि वेट करते हैं कि उस इंसान को अकल आएगी तो वो आपका साथ देंगे। यही सोचकर आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपने चाहकर भी मूव ऑन नहीं किया और आपको लगा कि नहीं थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, कभी तो उस इंसान में सुधार आएगा और वो समझ पाएगा कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। तो उसके बदले में उनको भी तो आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपका साथ तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं। और यहाँ पर आपके पर्सन की अगर बात करें गाइस, तो ऐसा है कि वो जहाँ पर आपकी बात आ रही है तो वो खुद को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किसी तरह से कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहते, ऐसा है वो खुद को बचा रहे हैं। और सेपरेशन तो यहाँ पर हो ही चुका है, और ये क्या है, आइसोलेटेड एनर्जी में भी हैं। और यहाँ पर ये आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे, किसी तरह से आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, और ना ही ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, ना ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे दूर ही भाग रहे हैं और अकेले रहना इनको सही लग रहा है, आपका साथ अभी ये नहीं चाह रहे हैं और किसी तरह से खुद को बचा भी रहे हैं। और जो भी आपके पर्सन में बदलाव आया गाइस, ये अचानक आया, आपने सोचा ही नहीं था कभी ये इंसान ऐसा बदल भी जाएगा। ये तो ऐसे बन गए जैसे आपको जानते ही नहीं और खुद ही आपसे दूर भागने लगे। किसी तरह से अब आपको कुछ बताना भी नहीं चाहते, ना ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो जो आपने सोचा नहीं था वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ा है। इस इंसान में जो भी बदलाव आया वो अचानक ही आया है, पहले ये ऐसे नहीं थे। और आप इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब भी इनके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यही लग रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कल तक वो आपके पीछे ही भाग रहे थे, हो सकता है उन्होंने ही आपको प्रपोज़ल दिया और आज ऐसे हो गए हैं कि बस अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जो नो कॉन्टैक्ट है ये भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कोई बातचीत अभी तक हुई ही नहीं है। और आप लोग चाह तो रहे हैं खुद ही पर ध्यान देना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने आप में ही फोकस करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ध्यान अपने पर्सन पर भी है। आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं और वही आपकी परेशानी की वजह भी है। अगर आप लेट गो कर लेते तो अभी शायद आप अपनी लाइफ में ऐसा है अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाते, इतने परेशान नहीं रहते। जो स्ट्रेस यहाँ पर है और जिस तरह से आप तनाव में दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहता। लेकिन आप लेट गो ही नहीं कर पाए हैं और आपका प्रयास यही है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर क्या हो रहा है कि वो इंसान आपके दिमाग में चलते हैं। जो वो करके गए वो आपको याद आता है और जो आपने उनके लिए किया वो भी आपको याद आता है। तो आपको वही लगता है कि कोई इंसान कैसे इतना बदल गया कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया आज वो ऐसा बन गया कि आपको नहीं जानता, और आपने इतना प्रयास किया है इस रिश्ते को बचाने का फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। इसकी वजह से क्या है, ना ही आप मूव ऑन कर पाए, ना अपनी लाइफ में आप ऐसा है कि अपनी लाइफ को बेहतर भी नहीं बना पा रहे हैं, इन्हीं सब में अभी भी आप उलझे हुए हैं। और यहाँ पर आप वही है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में भी, अभी जो चल रहा है उसको लेकर भी और इस रिश्ते को लेकर भी। और आपके जो पर्सन है गाइस, ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हैं, भले ही अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आकर्षित भी हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है और यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग जितना भी प्रयास कर लें खुद को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आप मूव ऑन करना चाहे नहीं कर पाए, वो इंसान भी आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। वो चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपनी लाइफ को अब बेहतर बनाना है, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाया है। अभी ऐसा है कि वो इंसान भी आपको यहाँ पर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और आपका ये भी है गाइस कि आपके सामने अगर
इनसे बेहतर लोग भी आ जाएं, तो आप उन लोगों को पसंद नहीं करते। आपको यही इंसान पसंद है, आपको बस यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, आपका ऐसा भी है। और वो लोग अगर इनसे बेहतर हैं, कोई और ऑप्शन आपके पास है, तो आप उन लोगों को पसंद करते ही नहीं। ये जो भी है, जैसे भी हैं, ये आपको चाहिए, आपके दिमाग में ये बात है। आपके पर्सन आपसे अलग होकर भी इतने ज़्यादा परेशान नहीं है जितने आप हैं। उसकी वजह यही है कि वो सोते जागते उठते बैठते उस इंसान को ये लगता है कि आप उनके साथ हैं। वो कुछ भी करते हैं, उनको लगता है कि आप उनके आसपास हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, कभी कभी वो भी इमोशनल होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जितने आप हैं। वो इतने परेशान नहीं हैं आपसे अलग होकर, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि आपसे बात हो ना हो, कितना भी आपसे मतलब दूरी हो जाए, वो आप उनके आसपास हैं, ये वो महसूस करते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनको अकेलापन महसूस नहीं हो रहा, और ऐसा है कि आपके जितना वो परेशान भी नहीं दिखाई देते, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से वो जी रहे हैं। और आप जो हैं गाइस, इसी चीज़ को नहीं सीख पाए हैं। जो आपके पर्सन सीख लिए, वो आप नहीं सीख पाए हैं। आपका ऐसा है, अगर बात नहीं होती तो आप परेशान हो रहे हैं, मिलना जुलना नहीं हुआ तो परेशान हो रहे हैं। किसी तरह से आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े रहें, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। अगर थोड़े समय के लिए भी वो आपसे अलग हो गए, या अभी लंबे समय से आपसे अलग हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इस वजह से आपसे दूर हैं या आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। जबकि आपके पर्सन की सोच कुछ अलग है, इस वजह से वो परेशान नहीं है, लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आपका मन कहीं भी ऐसा है कि लगता नहीं है। आपका ध्यान उसी इंसान पर है कि कब वो कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब अपने दिल की बात आपको बताएंगे, ये सब आपके दिमाग में चलता है, जबकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका रोज़ का जो रूटीन था वो चल रहा है, अपने काम पर ध्यान देते हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर रहे हैं। हर तरफ से ऐसा है कि वो इंसान बिज़ी भी हैं, और ऐसा है कि उनको यही लगता है कि आप उनके साथ हैं। लेकिन आने वाले टाइम में गाइस, आप भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। अभी तो परेशान होते हैं उनके बिना, लेकिन आने वाले टाइम में आप भी अपने पर्सन की ही तरह हो जाएंगे। फिर आपको भी यही रहेगा कि नहीं, वो मेरे आसपास है, और उसके बात करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो लाइफ में है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने पर्सन की ही तरह आने वाले टाइम में आप होने वाले हैं। और अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने पैसों पर है। जो भी वो अर्न कर रहे हैं, उनको लगता है इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। अपने काम को वो बढ़ाना चाहते हैं, किसी तरह से ऐसा है कि वो चाहते हैं कि उनका नाम हो, लोग उन्हें जाने उनके काम की वजह से। तो अभी अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो भी वो करते थे इसमें और कुछ नया करना चाहते हैं वो। और यहाँ पर वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, इस पर अभी उनका ध्यान है। जो कुछ भी उनको मिल रहा है, वो उनको लगता है कि नहीं, ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी इन सब में बहुत ज़्यादा बिजी हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि अभी आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, अभी आपको अप्रोच करना उनके लिए सही नहीं है। अब वो आपको कुछ बता भी नहीं रहे, हो सकता है यहाँ पर परिवार की समस्या है, जिन लोगों की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, परिवार के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। यहाँ पर ऐसा भी है कि वो आपकी वजह से किसी के साथ संबंध अपना ख़राब करना नहीं चाह रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपको अपनी समस्या बताते हैं तो भी आप कुछ मानने वाले तो हो नहीं, ये उनको लगता है। और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप ही कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दो बदला लेने के चक्कर में। तो या आप इनके सामने तो ऐसा है कि अच्छा बनकर दिखाओगे, और वहाँ कहीं इनके परिवार वालों से कोई बात कर दी या कुछ कह दिया, या इनके दोस्तों से कुछ कह दिया, किसी तरह बदला लेने के मूड में कहीं आप होंगे, तो इसलिए इनको लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि इनके साथ अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे झमेले हो सकते हैं, कि बहुत कुछ सोच विचार करके ही रुके हुए हैं। और उनके दिमाग में वही बात है कि अगर आपको अपनी भावनाएं बताते हैं, किसी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपनी समस्या को, तो यहाँ पर वही है कि आर्ग्यूमेंट होंगे, और आप उनसे बदला लेने के चक्कर में उनका कोई ना कोई नुकसान करवाएंगे, इसीलिए वो इंसान क्या है कि रुके हुए हैं। अभी वही है गाइस कि आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है या तो आप में बदलाव आ जाए, या फिर जो परिवार में समस्या चल रही है आपके साथ रिश्ते में आने पर, तो वो ख़त्म हो जाए, तो वो उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे। तो
आप जितना सोच विचार कर रहे हैं उतना ही आपके पर्सन भी कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, लेकिन यहाँ पर यही है कि उन्होंने मान लिया है कि आप उनके आसपास हैं चाहे आपसे बात हो ना हो। आपका ऐसा है कि आप इस चीज़ को नहीं मानते, आपको लगता है वो आपसे जुड़े रहेंगे तभी प्यार है। तो यहाँ पर बस यही फ़र्क है आप दोनों में। और यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन राइट टाइम का वेट तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि देखिए उनके साथ समस्या बहुत सारी है। वो इंसान भले ही नहीं दिखा रहे होंगे अपनी परेशानी, खुश रहकर दिखा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन समस्या के साथ तो वो इंसान भी घिरा हुआ है और उनकी भी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। संघर्ष बहुत ज़्यादा है, इधर पैसों की समस्या है तो उसके लिए काम कर रहे हैं, उधर परिवार को संभाल रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं, तो उलझे हुए तो अभी वो भी हैं। और जो भी उनकी लाइफ में भी समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाने में भी वो इंसान लगा हुआ है, इस वजह से भी कोई और नई समस्या अब वो अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहे हैं। और वो इस बात से भी डरते हैं गाइस कि अगर वो आपसे बात करना चाहें और आप ऐसा कुछ कह दें जिससे वो हर्ट हों, तो उनको यही लगता है कि बस इसीलिए अभी आपसे बात करना भी बेकार है, आपसे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि अपने आप को वो हर्ट करना नहीं चाहते। और आप कुछ भी उनको अगर गलत कह देंगे गुस्से में तो आप कह भी सकते हैं क्योंकि आप भी उनसे नाराज़ हैं, तो उनको ये लगता है फिर वो उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप अपनी जगह तो सही रहेंगे लेकिन हर्ट वो होंगे, इसीलिए भी अभी वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।